नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गेट नोटबुक चैनल में। तो हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपने हमारी गेट नोटबुक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी लेसन्स आगे डलें उनकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचे। तो नोटिफिकेशंस पहुँचने के लिए आपको बेल आइकन टैप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बेल आइकन को आप टैप नहीं करते हैं तो आपको लेसन की नोटिफिकेशंस नहीं पहुँचेंगी। और अगर आपको पता नहीं हो तो कल हमारा टॉक का क्लास स्टार्ट होने वाला है, दैट इज थ्योरी ऑफ कंपटीशन का। थ्योरी ऑफ कंपटीशन की क्लासेस टोटल 5 दिन चलेंगे और उसमें हम सारा सिलेबस कवर कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो भी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। तो मेक श्योर कि आप क्लासेस को अटेंड करें। क्लासेस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए आपको टैप करना बेल आइकन बहुत ज़रूरी है। चलिए बात कर लेते हैं कि आज हम इस लेसन में क्या देखने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट आर द बेस्ट बुक्स फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट जो आपके गेट एग्जाम में आ रहे हैं। तो गेट एग्जाम 2020 के लिए कौन कौन से वो बेस्ट बुक्स आपको खरीदना चाहिए फॉर एवरी सेक्शन, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपके टोटल 11 सेक्शन होते हैं इन टोटल गेट एग्जाम में, जिसमें कि थ्योरी ऑफ कंपटीशन, कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, कंपाइलर डिज़ाइन होता है, डेटाबेसेस होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स होता है, सी प्रोग्रामिंग होता है, एल्गोरिदम्स होते हैं, और फिर आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड डिजिटल लॉजिक। तो ये 11 सेक्शंस जो हैं वो सिर्फ बोलने के लिए 11 नहीं है, उनको पढ़ना कैसे, अच्छी तरीके से कैसे, सब में नॉलेज हासिल करनी है, उसके लिए बेस्ट बुक होना बहुत ज़रूरी है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए काफ़ी बच्चे जो हैं वो इधर उधर भटकते हैं, पूछते रहते हैं। तो उसका जो प्योर जो ब्यौरा है मैं वो इस लेसन में आपको प्रोवाइड कर रही हूँ कि आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पहले कि इस पर्टिकुलर चैनल जो हमारे गेट नोटबुक चैनल है उसमें और कौन कौन से प्रीवियस लेसन्स डल चुके हैं, उनकी थोड़ी झलक आप देख सकते हैं कि ये सारे प्रीवियस वीडियोस में डाल चुके हैं। और अगर आपने अभी तक इनको नहीं पढ़े हैं, नॉर्मलाइजेशन, बी ट्री, बी प्लस ट्री और डेटा स्ट्रक्चर्स और कंपाइलर डिज़ाइन वगैरह आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हैं अभी भी, ठीक है। तो ये मेरे प्रीवियस अपलोड्स हैं हमारे चैनल के। चलिए अब बेस्ट बुक्स को देख लेते हैं कि गेट कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम 2020 एग्जाम जो होगा आपका फरवरी में, आने वाले फरवरी में, तो उसके लिए क्या क्या बेस्ट बुक्स होंगे। तो थ्योरी ऑफ कंपटीशन की अगर हम बात कर लें, जी माफ़ कीजिए, तो थ्योरी ऑफ कंपटीशन की अगर हम बात करें तो थ्योरी ऑफ कंपटीशन का जो ऑथर है यानी कि जो बुक नेम है वो पीटर लिंच अगर आप खरीदते हैं, या फिर उलमान एंड मोटवानी, तो ये दोनों ही बहुत ही बेस्ट बुक माने गए हैं थ्योरी ऑफ कंपटीशन के। तो इसलिए मैं आपको प्रेफर करती हूँ कि यहाँ पे आप थ्योरी ऑफ कंपटीशन को इस बुक से पढ़ें। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की जहाँ तक बात करें तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स केनेथ रोजन सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की। कहीं भी आप पूछेंगे तो आपको यही लिस्ट बुक्स के मिलेंगे, हर एक सब्जेक्ट का यही बुक यू नो अच्छा होता है। एल्गोरिदम्स की अगर हम बात करें तो कॉर्मेन इज़ वेरी नाइस बुक, और एल्गोरिदम्स को अच्छी तरीके से प्रॉपरली समझने के लिए कॉर्मेन बेस्ट बुक मानी जाती है। डेटाबेस सिस्टम के लिए भी अगेन मैं कहूँगी नवाते इज़ द फेमस बुक फॉर डेटाबेस सिस्टम। हर कोई आपको नवाते ही पढ़ने के लिए बोलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली सबको एक्सपीरियंस हुआ है, सभी एक्सपीरियंस हैं, यही जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि डेटाबेस कहाँ से पढ़ना चाहिए वो नवाते ही बोलेंगे आपको। तो नवाते इज़ द बेस्ट बुक टू कवर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में मॉरिस मैन इज़ द बेस्ट बुक, यस मॉरिस मोनो बहुत ही अच्छा बुक है, सिंपल लैंग्वेज है, अच्छे से आप समझ लोगे चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल में लिखा हुआ है समझ नहीं आ पा रहा है। हाँ, और जो बाकी बुक्स है वो थोड़े से आपको शायद हाई लेवल के लग सकते हैं जिसमें लैंग्वेजेस का थोड़ा प्रॉब्लम हो, बट मॉरिस मैनो का लैंग्वेज बहुत ही ईजी है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, सिंपल है। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली एल्गोरिदम्स के बारे में मैंने बता दिया, दैट इज़ कॉर्मेन। तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स का भी कॉर्मेन बुक बहुत ही मस्त वाला बुक है, उसको आप ज़रूर लेकर पढ़ें। अभी से अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे ना तो आप में अभी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अभी ऐसा है कि समय जिसमें कि एकदम करेक्ट टाइम में बोलूँगी, गेट 2020 का प्रिपरेशन स्टार्ट करने का सबसे करेक्ट टाइम अभी ही है, और अभी से ही आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। इन बुक्स को अगर आपने अभी तक नहीं खरीदा है तो मेक श्योर कि आप कल ही के कल जाके इस बुक को खरीद लें। साथ में मैं ये भी कहूँगी कि कॉर्मेन तो अच्छा है ही, पर अगर आपको और भी एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, यानी कि एक्स्ट्रा नॉट इन द सेंस एक्स्ट्रा बट यस, अगर एक बुक को पढ़ पढ़ के जैसे कॉर्मेन का लैंग्वेज थोड़ा सा अगर आपको टफ लगे तो आप मेड इजी खरीद सकते हैं, मेड इजी बाय नरसिम्हा करुमंची।
तो नरसिम्हा करमंची बुक जो है वो बेस्ट बुक है, यू नो, माना जाता है मेड इजी का डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। तो कॉर्मेन खरीद लो, ये भी खरीद लो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की जहाँ तक बात करें तो यस, प्रोबेबिलिटी आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है, जैसे कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो गया, कैलकुलस हो गया, राइट। तो ये जो प्रोबेबिलिटी टॉपिक है उसको अगर आपको पढ़ना, तो उसके लिए मैंने अलग से एक बुक बताया है जिसका नाम है शेल्डन रॉस। तो शेल्डन रॉस काफ़ी अच्छा बुक है और वहाँ पे प्रोबेबिलिटी के आप देखते हो यार, हर साल गेट एग्जाम में प्रोबेबिलिटी के एक दो क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं। तो अगर इस प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को अच्छे से समझना है तो शेल्डन रॉस बुक सबसे मस्त वाली बुक होगी। नेक्स्ट इज कैलकुलस बुक। कैलकुलस का बुक क्या है, तो कैलकुलस भी एक कंसेप्ट है जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे काफ़ी बारी हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है। तो ये सबसे बढ़िया आपका तैयारी तब होगा कैलकुलस का जब आप टेंथ और ट्वेल्थ के, यू नो, टेंथ और ट्वेल्थ, इलेवेंथ ट्वेल्थ के जो बुक्स होते हैं उसमें कैलकुलस का जो पार्ट है उसको अगर आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कैलकुलस का कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा ना तो यू विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, ये तीनों को एक साथ है ना भीड़ में खड़ा कर दिया जाता है कि डेटा स्ट्रक्चर एक ही है, सी एक ही है, एल्गोरिथम एक ही है। पर तीनों के लिए मैंने अलग अलग बुक आपको बताया है कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम को अगर कंबाइन करें तो कॉर्मेन बुक है, एल्गोरिथम का कॉर्मेन बुक है। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम को पढ़ने के लिए आप मेड इजी का नरसिम्हा वाला बुक भी ले सकते हैं। और सी प्रोग्रामिंग एक अलग चैप्टर होता है, तो सी प्रोग्रामिंग के लिए मैंने दो बुक्स आपको बताएं, दोनों में से आप कोई भी खरीद सकते हो, दैट इज़ यशवंत कानेतकर या फिर डेनिस रिची। डेनिस रिची आई थिंक बहुत सारे लोगों ने पढ़ भी चुका होगा क्योंकि ऑब्वियसली जब कॉलेजेस चलते हैं तो आपको सी प्रोग्रामिंग पढ़नी पड़ती है। तो सी प्रोग्रामिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा बच्चों को यही प्रेफर करवाया जाता है कि तुम डेनिस रिची लेकर पढ़ो। तो बट आई विल गिव यू कि मैं आपको एक सजेशन की तरह अगर बोलूँ कि यशवंत कानेतकर को आप ट्राई करो, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क की हम बात कर लेते हैं तो कंप्यूटर नेटवर्क के लिए बेस्ट बुक जो होता है वो है ए टेनेनबॉम या फिर क्यूरोस रोस या फिर फोरोजन। तो फोरोजन जो बुक है वो बेटर होगा जब आप फिजिकल और डेटा लिंक लेयर के कंसेप्ट को अगर पढ़ोगे तो फोरोजन उसमें अच्छा दिया हुआ है, फोरोजन में अबाउट द फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर। और बाकी जो कंसेप्ट है वो ए टेनेनबॉम या फिर क्यूरोस रोस से आप पढ़ सकते हो। तो अगर मैं बोलूं कि अगर इन शॉर्टकट की कौन सा बुक सभी कंसेप्ट के लिए अच्छा होगा तो आप ए टेनेनबॉम या फिर क्यूरोस रोस ले सकते हैं, पर फोरोजन में इन दोनों को काफ़ी अच्छी तरीके से बताया गया है तो इसलिए आप ये भी ले सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट के लिए भी मैंने दो बुक्स बताए हैं। तो आपको अगर सिलेबस नहीं पता हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम में दो टॉपिक्स हैं, मेमोरी मैनेजमेंट एंड सिंक्रोनाइजेशन। तो अगर मेमोरी मैनेजमेंट टॉपिक आप गैल्विन से पढ़ते हैं, वैसे तो गैल्विन ही ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि गैल्विन आप खरीद लो ऑपरेटिंग सिस्टम का, जहाँ जहाँ जाओगे आपको बोला जाएगा गैल्विन खरीद लो। पर मैं टॉपिक वाइज बता रही हूँ कि मेमोरी मैनेजमेंट के लिए गैल्विन बुक अच्छा है और सिंक्रोनाइजेशन अगर आप पढ़ते हो तो वो तनेजा के द्वारा अच्छा एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट आपका है कंपाइलर डिज़ाइन। तो कंपाइलर डिज़ाइन के लिए बेस्ट बुक है अहो उल्मन एंड सेठी, ठीक है। तो अहो उल्मन एंड सेठी दिस इज़ द बेस्ट बुक टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कंपाइलर डिज़ाइन। बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो कंपाइलर डिज़ाइन इतना छोटा सब्जेक्ट है कि अगर आप उसको ऑनलाइन भी पढ़ते हो ना तो इसके ट्यूटोरियल्स काफ़ी हैं। और वैसे भी अगर आपको ऑनलाइन नहीं मिलते तो आई एम ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू यार, कि आप अगर एक बार बोलोगे ना कि मैडम इस कंपाइलर डिज़ाइन के कंसेप्ट डाल दो या ट्यूटोरियल्स डाल दो शॉर्टकट में, तो मैं डाल दूँगी, ठीक है। तो हम लोग आपके हेल्प करने के लिए यहाँ पे हैं। अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में या किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक में या सब्जेक्ट में यू नो प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस विद मी, यू कैन से मी कि हाँ इस टॉपिक पे आप वीडियोस डालें, तो आई विल श्योर मैं डालूंगी, ठीक है। आई विल मेक श्योर कि मैं ज़रूर कि ज़रूर विद इन टू डेज मैं उस टॉपिक को डालने की पूरी कोशिश करूँगी। नेक्स्ट इज डिजिटल लॉजिक का जो बेस्ट बुक माना जाता है वो आरपीजेन या फिर मॉरिस मैनो माना जाता है। बट आई विल प्रेफर यू कि आरपीजेन खरीदो या मॉरिस मैन खरीदो, दोनों का जो है कंडीशन बिल्कुल सिमिलर है, तो आप कोई भी बुक खरीद सकते हो। दोनों का लैंग्वेज बहुत ईजी है। तो डिजिटल लॉजिक और कंप्यूटर आर्किटेक्चर दोनों ऐसे सब्जेक्ट है कि दोनों में मैंने मॉरिस मैनो बुक का नाम लिया है, तो मॉरिस मैनो आप खरीद सकते हो दोनों के लिए, या फिर आप आरपीजेन डिजिटल लॉजिक का खरीद सकते हो। तो इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू कि मार्केट में आपको कौन सा बुक पहले मिलता है, ठीक है।
लीनियर एलजेब्रा एक टॉपिक बचता है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से, कैलकुलस की बात हो गई है, प्रोबेबिलिटी की बात हो गई है और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की भी बात हो गई है, बचा आपका आखिरी कौन सा, लीनियर एलजेब्रा। तो लीनियर एलजेब्रा की सबसे बेस्ट 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 बुक है बीएस ग्रेवाल, तो बीएस ग्रेवाल को जल्दी से खरीद लो और प्रैक्टिस कर डालो सारे क्वेश्चंस लीनियर एलजेब्रा के। रिवीजन, अब लास्टली, अब इन सारे सब्जेक्ट्स के हमने बुक्स को देख लिया कि कौन कौन सा बुक खरीदना है, अब लास्टली बचता है कि चलो इस सारे बुक को पढ़ लिया, अब सबको रिवाइज कैसे करें। तो रिवाइज करने के लिए मेड इजी का हैंडबुक खरीद सकते हो। हाँ, मैंने इसके रिव्यूज देखे थे अमेजोन पे, तो इसके रिव्यूज कुछ बच्चों ने लिखा है कि बहुत ज्यादा ही कम्पैक्ट मैनर में दे दिया गया है उसके रिवीजन पार्ट को, कुछ कुछ चीजें तो मिसिंग ही है, ठीक है, कुछ कुछ चीजें ऐसी तो सिलेबस में गिवन ही नहीं है। बट ऑब्वियसली अगर आप इन सारे बुक्स को पढ़ लेते हो तो आपको इतना नॉलेज हो ही जाएगा एट द रिवीजन टाइम कि कौन से सिलेबस में आता है और कौन से सिलेबस में नहीं आता है। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन द रिवीजन पार्ट। तो अगर आपको रिवीजन करना है और आपने नोट्स नहीं बनाए तो उस केस में आप मेड इजी का हैंडबुक खरीदें, ठीक है। अगर आपने अपने सेल्फ मेकिंग नोट्स बनाए हैं तो यू डोंट हैव टू परचेस एनी बुक फॉर रिवीजन, राइट। तो रिवीजन का बुक तब खरीदना है जब आपका कोई अपना सेल्फ मेड नोट्स ना हो, ठीक है। नेक्स्ट, पर मैं आपको प्रेफर यही करूँगी, प्लीज एंड प्लीज जैसे जैसे आप एक एक टॉपिक को पढ़ते हो वैसे वैसे उस टॉपिक का सिंगल रिवीजन पेज बनाओ। ये सिंगल रिवीजन पेज इज अ टर्म कि अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा, लेट सपोज मान लो कि आपने पढ़ा है फिजिकल लेयर, तो फिजिकल लेयर को आपने पूरा कंप्लीट कर लिया, तो उसको रिवाइज करने के लिए एट द एग्जाम टाइम आपको क्या करना है, फिजिकल लेयर पे एक सिंगल पेज बनाना है जिसमें कि आपको सब कुछ पॉइंट लिखा होना चाहिए जो आपने पढ़ा है, जो जरूरी है फिजिकल लेयर के कंसेप्ट को एग्जाम में क्रैक करने के लिए। तो एक सिंगल पेज अगर आप हर एक कंसेप्ट पे ऐसे ही बनाओगे ना, तो एट द मोमेंट ऑफ एग्जाम, जब गेट एग्जाम का एक दो दिन पहले होगा, तो उसमें आप एक एक पेज को, एक पेज पढ़ा फिजिकल ईयर खत्म, एक पेज पढ़ा सिंक्रोनाइजेशन खत्म, एक पेज पढ़ा सारे कंसेप्ट पे, एक एक पेज बनाओगे तो कितने कंसेप्ट ही होते हैं गेट एग्जाम में, ज्यादा कंसेप्ट नहीं होते, 50 कंसेप्ट, ज्यादा से ज्यादा 50 पेजेस में आपका पूरा रिविजन खत्म, राइट। तो यहाँ पे आपको कोई हैंडबुक वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं, बट येस इन केस आपने नहीं बनाया शॉर्ट नोट्स तो आप मेड इजी के हैंडबुक को खरीद सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म यार, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर गेट एग्जाम प्रिपरेशन कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से देखें। तो देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके मेड इजी के द्वारा ज़्यादा अच्छी तरीके से किए गए हैं कि गेट के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स जो हैं, हैंडबुक मेड इजी का आता है प्रीवियस ईयर का भी, रिवीजन का भी, तो आप मेड इजी का खरीद सकते हो। बट आई विल प्रेफर कि अगर आप जितना ज़्यादा गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खुद से करने की कोशिश कर सकते हो, बुक पे डिपेंड मत रहो, ठीक है। तो वैसे तो मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट करवा चुकी हूँ, कंप्लीट करवा दूंगी, आधे कंप्लीट हो गए हैं, कंपाइलर डिज़ाइन के 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने डाल दिए अपने चैनल में। और जहाँ तक बात करते हैं कि जितने जो 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने नॉर्मलाइजेशन टॉपिक का भी कंप्लीट करवा दिया है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन टॉपिक पे जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए सबको मैंने बता दिया। आपने अभी तक मेरे चैनल के वीडियोस को नहीं देखा तो आप देख लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तो बिल्कुल मेरे पे आप छोड़ दीजिए, मैं बिल्कुल पूरे करवा दूंगी आपको। कुछ भी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गलती से बचते भी हैं तो आप मुझसे बोल देना, मैं उसको सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है। बट टेंशन नहीं लेने का, और वो आपके ऊपर है कि आपको चैनल से पढ़ना है, वीडियोस से पढ़ना है या फिर आपको हैंडबुक से पढ़ना है, तो आप हैंडबुक ले सकते हैं मेड इजी का। नेक्स्ट इज कि जनरल एप्टीट्यूड कहाँ से करें। तो वैसे तो सब लोग बोलते हैं कि भैया जनरल एप्टीट्यूड के लिए आप आर एस अग्रवाल ले लो, पर काफ़ी सारे बच्चों की शिकायत ये आई है कि भाई आर एस अग्रवाल अच्छा तो है, अच्छा इसलिए अच्छा भी नहीं लगता, हम लोगों को कड़वा लगता है, अच्छी बात है सबको कड़वी लगती है। तो आर एस अग्रवाल जो है वो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बताता है, बट जैसे कि मैंने बच्चों के रिव्यूज़ देखे कि नहीं नहीं आर एस अग्रवाल के कंसेप्ट बड़े डिफिकल्ट हैं, कुछ ट्रिक्स ही नहीं है, तो मेड इजी में भी कोई ट्रिक्स व्रिक्स नहीं है। बट येस, यू कैन परचेस द बुक ऑफ मेड इजी इन द सेकेंड प्रेफरेंस इफ़ यू डोंट प्रेफर आर एस अग्रवाल इज द बेस्ट बुक, ठीक है। तो आर एस अग्रवाल, मेरी चॉइस आर एस अग्रवाल है, आपकी चॉइस मेड इजी है, तो आप मेड इजी खरीद सकते हैं। मैंने यहाँ पे आर एस अग्रवाल जानबूझ के नहीं लिखा, सभी लोग आर एस अग्रवाल लिखते हैं, बट ऑलवेज द सेम रिप्लाई फ्रॉम स्टूडेंट्स कि मैम वाई आर एस अग्रवाल, वाई डोंट एनी अदर बुक। तो अदर बुक में मैंने मेड इजी लिख दिया, पर मजबूरी में लिखा है, अच्छा तो आपका आर एस अग्रवाल ही है। साथ ही मैं अगर बोलूँ कि जनरल एप्टीट्यूड की अगर आपको डेली क्वेश्चन चाहिए, डेली 5 ट्रिक्स चाहिए टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन इफिशियंटली इन गेट एग्जाम,
तो अगर आप डेली 5-5 क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस या डेली एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते हो ट्रिक्स के साथ जनरल एप्टीट्यूड के अभी से, तो गेट एग्जाम के आते आते आपके पास एक कलेक्शन होगा 1000 जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस का जो आपके दिमाग में होगा, यस विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो अगर आपको ऐसा चाहिए तो मैं यूट्यूब के चैनल में अपने डेली क्वेश्चंस जनरल एप्टीट्यूड के विद शॉर्ट ट्रिक्स अपलोड कर सकती हूँ, बट इट इज़ ऑन योर रिक्वेस्ट। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बेस्ट बुक के सीरीज़ का, जिसमें कि मैंने हर एक सब्जेक्ट को, हर एक छोटे पार्ट को, जनरल एप्टीट्यूड को भी इंक्लूड किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस करें, कमेंट करके बताएं कि जो जो मैंने पूछा है उस पर, उस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए कि नहीं, कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ सब्सक्राइब नहीं किया है इस यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे गेट नोटबुक चैनल को, जिसमें कि हम गेट और UGC नेट के लेक्चर्स क्रिएट करते हैं। थैंक यू सो मच।